लोगों को अपनी गाढ़ी मेहनत कमाई लूट जाने का गम है। पीएमसी बैंक के खाता धारक बस इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो घोटाले के आरोपियों को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मुंबई के किल्ला कोर्ट में आज पीएमसी घोटाले के आरोपी सारंग वधावन, राकेश वधावन और वरियम सिंह की पेशी हुई, लेकिन इस दौरान अदालत परिसर में जमकर हंगामा हुआ। आरोपियों को जेल भेजने की मांग के साथ पीएमसी बैंक के खाता धारक यहाँ सुबह से ही जमा होने लगे थे। हालात को देखते हुए कोर्ट परिसर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और मुकम्मल जांच के बाद ही किसी को अदालत के अंदर जाने दिया जा रहा था। कोर्ट के बाहर एक छावनी का रूप तैयार हो चुका है। यहाँ पर पुलिस ने भारी बंदोबस्त लगाया है, क्योंकि पिछले पेशी में जब आरोपी को लाया गया था उस वक्त पीएमसी बैंक के जो खाताधारक थे वहाँ इकट्ठा हुए थे और वहाँ उन्होंने हंगामा किया था। इसी के मद्देनजर यहाँ पर एक पुलिस का बंदोबस्त देखने मिल रहा है। अंदर जाने वाले हर व्यक्ति को पूछा जा रहा है, जांचा जा रहा है, उसकी तलाशी ली जा रही है, उसके बाद ही छोड़ा जा रहा है। जहाँ तक हो सके जो पीएमसी बैंक के खाताधारक है पुलिस उन्हें अंदर नहीं छोड़ रही है। लेकिन लोगों का गुस्सा परवान पर दिखा। दरअसल बैंक के खाते से 10,000 से ज्यादा की रकम निकालने पर लगी रोक कईयों के लिए मुश्किलों का सबब बन गई है। अभी मेरा पूरा एफडी जो है मैच्योर होने वाला वो सब ये बैंक में फंसा हुआ है, तो मेरा जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स है वो सब ये बैंक में लॉक हो गया, तो मेरा फ्यूचर अनसर्टन हो गया। अभी कितने पैसे फंसे हुए थे आपके? मेरा टोटल 15 लाख फंसा हुआ है। किसी का 10 लाख फंसा है तो किसी का 20 लाख, किसी ने जिंदगी भर की कमाई बैंक में जमा कर दी और अब आलम ये है कि वो पैसे पैसे को मोहताज हो चुके हैं। आरबीआई ने एक भी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है कि पैसा आपका सेफ है। हमारे 15 लाख है, उसमें से इंटरेस्ट हमारे घर चलता है, मेरी बेटी का नेक्स्ट ईयर शादी होने वाला है, तो पैसा कहाँ से लेंगे? मैं रिटायर हो चुका हूँ 10 साल पहले। हमारे पास आज दवाई खरीदने का पैसा नहीं है, बेटी की शादी करने के लिए पैसा नहीं है, सारा मेरा पैसा इन लोगों ने लूट करके घोटाला कर दिया। इसमें कुछ दाल में काला दिखता है, कुछ सही दिखता नहीं है। इसमें कोई भी अपना स्टेटमेंट सही नहीं देता कि आपका पैसा सेफ है। रिटायर्ड आदमी है, सीनियर सिटीजन है, सारा पैसा इसी में था, पूरा फैमिली के 6 बंदों का अभी सीरियस प्रॉब्लम है। बहरहाल अदालत ने पीएमसी घोटाले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 16 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि इनमें से 2 राकेश और सारंग वाधवान एचडीआईएल के निदेशक हैं। पीएमसी बैंक को कर्ज में डुबाने वाले 44 बड़े अकाउंटों में 10 खाते रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल और वाधवा से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने मिलकर कुल 3,337 करोड़ का लोन पीएमसी बैंक से ले रखा है। इनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीएमसी बैंक के कुछ डायरेक्टर्स की मिली भगत से ये लोन हासिल किया गया था, जो आगे चलकर एनपीए में बदल दिया गया। एचडीआईएल जब संकट में फंसी तो इसे दिया गया पीएमसी बैंक का सारा लोन डूब गया। लेकिन हैरानी की बात ये है कि पीएमसी बैंक ने डिफॉल्ट के बाद भी एचडीआईएल को लोन देना जारी रखा, इस हद तक कि बैंक खुद डूब गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।